हेलो स्टूडेंट दिस शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑफ बिजनेस लॉ असाइनमेंट इग्नू का असाइनमेंट है ये और इसका कोर्स कोड है बी सी ओ सी वन थ्री थ्री तो सेक्शन ए वाला पार्ट हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव टू डिस्कस नो सैलर ऑफ गुड्स वो और कोई भी सब इतना अच्छा टाइटल नहीं दे सकता बायर को नो सेलर ऑफ गुड्स एंड गिफ्ट टू दायर अटर टाइटल्फ जिस जो उसके पास खुद होता है वो किसी और को नहीं दे सकता इतना अच्छा टाइटल जो होता है उसके पास इन क्वेश्चन के कुछ एक्सेप्शन हैं उन रूल को हमें डिफाइन करना है ठीक है तो यहाँ पे रूल ऑफ नेमो डेट कोड नॉन हैबिट की बात कर रहे हैं नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट है जो उसके पास है ही नहीं वो उसको दे नहीं सकता प्रॉपरली तो इट मीन्स दैट अ सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बैटल टाइटल टू अ बायर देन व्हाट द सेलर एक्चुअली जो एक्चुअल में मेरे पास है वो मैं इतना बेहतर तरीके से शिफ्ट ऑन नहीं कर सकती तो इफ़ द सेलर डज नॉट हैव द लीगल राइट अगर उसके पास लीगल राइट right नहीं है तो वो दूसरों को क्या ट्रांसफ़र करेगा इसके एक्सेप्शन की बात करूँ तो सेल बाई स्टॉपल आ जाता है इफ़ द ऑनर ऑफ़ द गुड हैज प्रीवियसली अलाउड द सेलर टू एक्ट एज इफ दे वर द ऑनर द बायर में गुड टाइटल हाँ इसके कुछ एक्सेप्शन है कि पहले ही वो ट्रांसफर कर चुका है कुछ टाइटल वगैरह को तो वो सेल बाय इस टॉपल में आएगा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट का क्या मतलब है इफ़ अ मर्केंटाइल एजेंट सेल गुड्स विद द अथॉरिटी ऑफ द बायर

अगर वो गुड्स को खरीदता है जो एक्चुअल में ऑनर के पास है तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि आ, इस वाले रूल को इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करता है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करूँ तो डिफाइन द टर्म प्रपोजल प्रपोजल को डिफाइन करना है उसके कुछ असेंशियल एलिमेंट्स को भी डिफाइन करना है वैलिड ऑफर में तो आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस कर लिया और जो क्वेश्चन नंबर फाइव था वो बहुत ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन था तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है प्रपोजल या ऑफर क्या होता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन नाइन सेक्शन टू सब सेक्शन ए के हिसाब से जब आप किसी को अपनी मर्जी से कुछ अजम्पशन uh, देते हैं कुछ प्रपोज करते हैं प्रपोज़ल देते हैं और नज़र डालने के लिए कहते हैं कि ये वाला हमारा इफ़ेक्ट एफ, है और इसको इस तरीके से किया जाएगा तो ये होता है हमारा प्रपोज़ल या ऑफ़र असेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफ़र ऑफर को वैलिड बनाने के लिए क्या असेंशियल चीज़ें हैं तो ऑफ़र मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एक तो दोनों के बीच में लीगल टर्म्स लीगल सिनेरियो होना ज़रूरी है इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस अगर इन केस कोई भी पार्टी काम नहीं करती है पूरा कंप्लीट तो दूसरी पार्टी उसको सू कर सकती है दूसरी पार्टी लीगल रिलेशन के हिसाब से उसको वैलिड ऑफ़र बनाती है फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल अ डिनर इन्विटेशन एक्सटेंडेड बाय ए टू बी इज नॉट अ वैलिड ऑफर वैलिड ऑफर होगा ही नहीं क्योंकि डिनर पे इनवाइट किया है तो ये लीगल टर्म्स में थोड़ी है ऑफ़र मस्ट बी क्लियर नॉट टेक ऑफर जो है वो क्लियर होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे वन के जी एप्पल दे दो जितने भी आपको समझ आए तो ये तो प्रॉपर है ही नहीं ना ए सेल ए ऑफर टू सेल बी फ्रूट्स फॉर थ्रुपीज फाइव थाउजेंट दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर सिंस वट काइंड ऑफ फ्रूट इन्होंने बोला है फ्रूट्स दे दो पाँच हजार के कौन से फ्रूट्स कितने के जी फ्रूट्स वो सब कुछ भी मैंशन नहीं है थर्ड वन इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी ऑफर की बातचीत कम्युनिकेशन ऑफरी तक होनी चाहिए एक प्रपोजल के लिए बातचीत का कंप्लीट होना जरूरी है फेमस केस स्टडी है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जहाँ पे इट मे क्लियर दैट एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द प्रपोजल ड नाट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस फोर्थ वन इज ऑफर कंडीशनल हो सकता है लेकिन कंडीशनल के लिए भी कंडीशन पहले से ही जस्टिफाई होनी चाहिए वैल एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल एंड ऑफर मस्ट भी कंडीशनल ऑफर आपको ऑफर दे सकता है कंडीशन जैसे कि ए कैन ऑफर टू सेल गुड्स टू बी इफ़ ही मेक हाफ द पेमेंट इन्होंने कहा है ए बी को गुड्स बेच देगा अगर आधी पेमेंट वो एडवांस में कर दे रहा है तो यहाँ पे तो कंडीशनल है ना लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल नहीं हो सकता फिफ्थ वन इज ऑफर कभी भी नेगेटिव कंडीशन के ऊपर नहीं होगा जैसे कि ए ऑफर टू सेल हिज हिस्काउ टू बी फाइव थाउजेंड इफ द ऑफर इज नॉट रिजेक्टेड बाय मंडे इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मंडे तक मैंने आपको अगर ना नहीं बोली इसका मतलब हाँ है तो ये वैलिड ऑफर में कंसिड्रेशन नहीं आएगा ऑफर स्पेसिफिक होना चाहिए या जनरल होना चाहिए जैसे कि हमने देखा स्पेसिफिक जो ऑफर होता है स्पेसिफिक पार्टीज के थ्रू या आप बोल सकते हो ऑफर कैन बी कुड बी पब्लिक पब्लिक को भी दे सकते हैं हम ऑफर ऑफर में भी एक्सप्रेस को या तो एक्सप्रेस अपनी बातचीत बोल के करेगा या कर सकता है या अपमान लिया जाता है कि ऑफर किया जा रहा है ऑफर कैन मेक एन ऑफर थ्रू वर्ड्स और इवन बाय हिज कंडक्ट एन ऑफर विच इज मेड वी आर वर्ड्स वेदर सच वर्ड्स आर रिटर्न ये जो वर्ड्स हैं ये रिटर्न होने चाहिए स्पोकन होने चाहिए और अगर ऑफ़र को कंडक्ट नहीं किया जाता मतलब इतना वोकल होके नहीं ओरल या रिटर्न फॉर्म में नहीं होता तो वो एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लाइड ऑफर माना जाता है तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स दो डिस्कस कर लिए हम बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तब तक आपको पी वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो मैं टेलीग्राम का चैनल आप लोग जैसे ही कमेंट करोगे टेलीग्राम का चैनल लिंक कर दूंगी और आप उस पर जाके अपने पी को क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो हिंदी कंटेंट की अवेलेबिलिटी के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स